उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद बलिया में के संपन्न हुई त्रैमासिक बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रदेश स्तर पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की लंबित 24 सूत्री मांगों के पूर्ण न होने के कारण पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट कर्मचारियों का आंदोलन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में 19 जुलाई दिन शुक्रवार 23 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके पश्चात दिनांक 16 सितंबर को जीपीओ पार्क हजरतगंज लखनऊ में प्रदेश के समस्त कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे और तत्पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 24 सूत्री मांग पत्र सौंपेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उत्तर प्रदेशी मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर के मंत्री विश्वेश शुक्ला ने कहा, मैं विश्वेश शुक्ला, मंत्री उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ गोरखपुर। प्रदेश स्तर पर कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की लंबी 24 सूत्री मांगें, जिसमें से मुख्य रूप से पुरानी पेंशन व्यवस्था, जनपद मुख्यालय को मिनी सचिवालय एवं कलेक्ट्रेट को विशेष दर्जा देते हुए वेतन विसंगतियाँ दूर करने एवं अन्य लंबित 23 मांगों को पूर्ण करने हेतु जो कि शासन स्तर पर लंबित हैं, प्रदेश नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में 19 जुलाई से 23 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा एवं 24 को पोस्ट कार्ड प्रेषित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और 21 अगस्त को पूरे कलेक्ट्रेट को तालाबंदी करके ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा मुख्यमंत्री महोदय को और 21 सितंबर को जीपीओ पर पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा धरना में प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। यदि आज रात्रि तक हमारी मांगें मान ली जाती हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तो हम यह चरणबद्ध आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारी मांगें आज रात्रि तक नहीं मानी जाती हैं तो हम कल से चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर करने को बाध्य होंगे।